और चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आजाद के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान भी आया। प्रतिक्रियाएं उनके इस्तीफे के बाद में सभी ने दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बड़ा बयान। कहा, गुलाब नबी के फैसले से मैं खुद सदमे में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि अभी इस पर क्या कॉमेंट करूँ। जिस व्यक्ति को पार्टी ने 42 साल तक सब कुछ दिया, हमेशा पद पर रखा, उस व्यक्ति ने पार्टी क्यों छोड़ दी, मैं समझ नहीं पा रहा। एक बार सोनिया गांधी बीमार थी, तब भी उन्होंने पत्र लिखा था। आज सोनिया गांधी चेकअप के लिए विदेश गई है, तब भी उन्होंने पत्र लिख दिया है। गुलाब नबी का ये फैसला मानवता वाला नहीं है, तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान के दौरान कही। साथ ही कहा कि ये संजय गांधी की टीम के लोग हैं, उस वक्त भी ऐसी बातें होती थी। मैं खुद भी कई दफा संजय गांधी के फैसलों से सहमत नहीं होता था। आजाद के राहुल पर चापलूसों से घिरे होने के आरोप पर बोले गहलोत, ये लोग संजय गांधी के साथ थे, तब भी इनको संजय गांधी का चापलूस कहा जाता था। ये तमाम वो सारी बातें जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि देखिए झटका यहाँ पर यकीनन एक कांग्रेस को लगा है। एक वरिष्ठ कांग्रेस के साथी थे गुलाब नबी आजाद, लेकिन अब आजाद जब कांग्रेस से आजाद आज हो गए और इस्तीफा उन्होंने 5 पेजेस का दिया जिसमें तमाम सारी बातें, तो प्रतिक्रियाएं यहां पर लगातार सबकी आ रही है। और कांग्रेस की अगर स्पेशली बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज और कार्यकर्ता भी इस्तीफे के बाद में सदमे में। अभी उड़ान योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। कहा, उड़ान योजना पर 600 करोड़ खर्च करेंगे। अब सैनिटरी नैपकिन के लिए संकोच करने का जमाना गया। सुशासन में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। दरअसल जयपुर में आज एक कार्यक्रम में जो दृश्य मैं देख रहा हूँ, ऐसा दृश्य मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सरकार हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है। आज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब शिरकत की और साथ ही साथ महिलाओं से जब बातचीत करते हुए उन्हें संबोधित करते हुए इस चीज का जिक्र किया कि सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना पर 600 करोड़ और खर्च होंगे और सैनिटरी नैपकिन के लिए इसके बाद भी किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और जो ग्रामीण तबके से आती हुई महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें भी इसको लेकर के जागरूक किया जाए। साथ ही महिला विकास को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने संकल्प को भी दोहराया। JECC में आयोजित कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत का संबोधन आज आप सभी ने सुना। उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार महिलाओं को मुख्य सचिव बनाया, बजट में भी महिला सशक्तिकरण का पूरा ख्याल रखा, महिला शिक्षा को लेकर काफी काम किया जा रहा है, कॉलेजों में आज लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या हो गई है, देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, बहुत भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी भी भयंकर है, सरकार हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती है, देश आजाद हुआ तब से महिलाओं के विकास के लिए फैसले कांग्रेस पार्टी कर रही है और आजादी मिलने के साथ ही वोट का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया। अमेरिका इंग्लैंड में कई वर्ष लग गए महिलाओं को इस मताधिकार के लिए, लेकिन भारत में आजादी के बाद में महिलाओं के पास भी मताधिकार पहुंचा और आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सभी के साथ में मिलकर कार्य कर रही है। राजस्थान की सरकार की अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान की सरकार भी प्रतिबद्ध है। ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान कही। सुलभ को अब सौंपी जा सकती है SMS अस्पताल की सफाई व्यवस्था। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत। अस्पताल में O&M के अभाव में गंदगी की दिक्कतों पर बोले गालरिया, ई उपकरण के माध्यम से करवाया जा रहा मशीनरी उपकरणों का O&M। रही बात साफ सफाई की तो इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों को पाबंद आगे किया जाएगा। इसी के साथ सुलभ को सफाई व्यवस्था का काम देने पर भी विचार हो रहा है। संभवतः इसके बाद में काफी हद तक इस व्यवस्था में सुधार नजर आएगा। मैन पावर की दिक्कतों के समाधान को लेकर गालरिया ने यह भी कहा कि जरूरत के हिसाब से पहले भी मैन पावर को बढ़ाया जा चुका है। फार्मासिस्ट तथा LT की जो भी समस्याएं हैं उसका भी जल्द ही सोल्यूशन निकलेगा, समाधान उसका भी होगा। SMS में 2.5 साल से अधीक्षक पद अतिरिक्त चार्ज के भरोसे होने पर गालरिया ने कहा कि किसी भी पद पर अतिरिक्त चार्ज सरकारी प्रक्रिया का एक पार्ट है। सरकार ने पहले भी से पूरी जिम्मेदारी के साथ में अधीक्षक यहाँ पर लगाए और मौजूदा अधीक्षक को भी पूरी शक्तियां दी गई है कि वो सुधार के लिए हर संभव प्रयास करे। तमाम बातें फोर्स इंडिया के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कही। अब जल्द पूरा होगा एक छत के नीचे कैंसर के ट्रीटमेंट का सपना। जी हां, कैंसर मरीजों की परेशानियों को लेकर बोले प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव फर्स्ट इंडिया से। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने खास बातचीत की। गालरिया ने कहा कि कैंसर इंस्टीट्यूट CSS स्कीम के तहत बनाया गया और स्कीम के तहत मेडिकल कॉलेज को एडिशनल फैसिलिटी में दिया गया है। इंस्टीट्यूट
जिस तरह की जरूरतें इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी होती है वो स्कीम में कवर नहीं होती। हालांकि राज्य सरकार ने इन परेशानियों को समझा और इन परेशानियों को समझते हुए बजट में 120 करोड़ का प्रावधान किया है। इस राशि से एक तरफ जहां कैंसर इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, साथ ही मरीजों के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि इस काम में RUHS अस्पताल की सहायता ली जाए। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की राह को बनाया है आसान। रेलवे प्रशासन ने 38 जोड़ी ट्रेनों में बढ़ाए हैं 81 कोच और इसी तरह से यात्रियों को करीब 8000 सीटें मिलेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर में दो दो थर्ड AC स्लीपर, जोधपुर बांद्रा टर्मिनस जोधपुर में दो दो थर्ड AC स्लीपर, इसके अलावा जोधपुर सिटी खजुराहो उदयपुर सिटी में एक एक थर्ड AC स्लीपर, जोधपुर के अलावा जयपुर भोपाल में भी एक थर्ड AC इकोनॉमी, बीकानेर कोलकाता में एक स्लीपर, जयपुर गोमती नगर लखनऊ यानी कि जयपुर में 1/3 AC इकोनॉमी, जोधपुर वाराणसी में 2 स्लीपर, अजमेर आगरा फोर्ट में 2 जर्नल, साथ ही 1/3 AC अजमेर अमृतसर में, उदयपुर जयपुर सहित विभिन्न रूट में भी ट्रेनों के कोचेस बढ़ाए गए हैं। सभी ट्रेनों में सितंबर महीने तक के लिए बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के चलते जो आवागमन का संसाधन है उसमें कोचेस के बढ़ने से लोगों को भी तैयारियां मिल पाए, नई तैयारियों के तहत यहां पर आवागमन करने में और ज्यादा सुविधा हासिल होगी। कनाडा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कनाडा के हेलिफैक्स शहर में स्पीकर बिरला का अभिनंदन हुआ। हेलिफैक्स में भारतीयों ने स्पीकर बिरला का जोरदार स्वागत किया। अभिनंदन के लिए वहां पर वो आते नजर आए। प्रवासी भारतीयों की इस पहल का स्पीकर बिरला ने आभार भी जाहिर किया। स्पीकर बिरला ने कहा कि प्रवासी भारतीय विदेश में हिंदुस्तान की ताकत है, विदेशी सरजमी पर बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय नया भारत नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। इससे देशवासियों के साथ प्रवासी भारतीयों की भी अहम भूमिका इसमें होगी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने प्रवासी भारतीयों की एकता की सराहना की। उन्होंने विदेशी जमीन पर भी विविधता में एकता के प्रतीक हैं भारतवासी, प्रवासी भारतीय इसका एक प्रतीक है ये बात कही।